जय लक्ष्मी।
रत्न सिंधु में पायो, 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बन दासी। जन्म जहाँ प्रभु लीना रूप बदलता सेवा कीना, स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा लीन है अवधपुरी अवतारा, तब तुम प्रगट जनक पुर माही सेवा कियो त्रिभुवन के स्वामी। तुम संप्रबल शक्ति नहीं आनी, कहलो महिमा कहो बखानी। फल सोई त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े पढ़ावे ध्यान लगा कर सुरे सुनावे, ताको कोई ना रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे, पुत्र ही करावे शंका दिल में कभी न लावे, पाठ करावे दिन चालीसा ता पर कृपा करे गौरीश। विश्वास करे व्रत नेमा, होय सिद्ध उपजय उर प्रेमा।
करिश्मा हमारी, दर्शन दीजिए दशा निहारी, बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, ही अक्षत दुख सहते भारी। श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी देव्यै नमः। ॐ
नमः कमलवासिन्नै नारायण्यै नमो नमः कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः पद्मपत्रेक्षणायै च पद्मस्यायै नमो नमः सर्वसंपद स्वरूपायै सर्वदात्रै नमो नमः पद्मासनयै पद्मिन्नै वैष्णवै च नमो नमः सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदायै नमो नमः हरिभक्ति प्रदायिन्नै हर्षदायै नमो नमः कृष्णवक्षस्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः कृष्णशोभास्वरूपायै पद्मायै च नमो नमः सम्पत्त्यधिष्ठात्रिदेव्यै च महादेव्यै नमो नमः शस्याधिष्ठात्रिदेव्यै च शस्यायै च नमो नमः नमो बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदायै नमो नमः वैकुण्ठे या महालक्ष्मीर्लक्ष्मीक्षीरदसागरे स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगृहे राजलक्ष्मीर्नृपालये गृहलक्ष्मीश्च गृहिणां गेहे च गृहदेवता सुरभिः सा गवां माता दक्षिणायज्ञकामिनी अदितिर्देव माता त्वं कमला कमलालये स्वाहा त्वं च हविर्दाने कव्यदाने स्वधा स्मृता त्वं हि विष्णु स्वरूपा च सर्वधारा वसुंधरा शुद्ध सत्व स्वरूपा त्वं नारायण परायण क्रोध हिंसा वर्जिता च वरदा च शुभानना परमार्थ प्रदा त्वं च हरिदस्य प्रदा परा त्वया विना जगत् सर्वं भस्मीभूतमसारकं जीवनमृतं च विश्वं च शवतुल्यं त्वया विना सर्वेषां च परा माता सर्वबान्धवरूपिणी त्वया विना न संभावो बान्धवैर्बान्धवः सदा त्वया हीनो बन्धुहीनस्तया युक्त सबन्धव धर्मार्थ काम मोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी ऐहि कामुष्मिकसुखं त्वत्प्रसदान् लभेन्नरः स्तनन्धयानां माता वै शिशूनां शैशवे यथा तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वविश्वतः मातृहीनः स्तनं त्यक्त्वा शिशुर्जीवति दैवतः त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितं सुप्रसन्नस्वरूपा त्वं प्रसन्ना मे भवाम्बिके वैरग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातने वयं यावत् त्वया हीना बन्धुहीनश्च भिक्षुकः सर्वसम्पद्विहीनश्च तावदेव हरिप्रिये राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्वरी कीर्तिं देहि धनं देहि यशः कान्तिं च देहि मे कामं देहि मतिं देहि भोगं देहि हरिप्रिये ज्ञानं देहि च धर्मं च सर्वसौभाग्यं मीप्सितं प्रभावं च प्रतापं च सर्वाधिकरमेव च जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्यमेव च इत्युक्त्वा स महेन्द्रश्च सर्वैः सुरगणैः सह प्रणनाम सा सुनेत्रा मूर्ध्ना चैव पुनः पुनः ब्रह्मा च शङ्करश्चैव शेषो धर्मश्च केशवः वायुर्देवश्च सन्तुष्टः स्वं स्वं स्थानं च नारद
देवी जायो हरे क्रूरं दृष्टाक्षिरो दुःशायिनः यजतुश्चैव स्वगृहं ब्रह्मशानौ च नारद दत्त्वा शुभशिषं तौ च देवेभ्य प्रीतिपूर्वकम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यं यः पठिन्नरः कुबेरतुल्यः स भवेत् राजराजेश्वरो महान् सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत् सोऽपि कल्पतरुर्नरः पञ्चलक्षजपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्नृणां सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत् मासमेकं च संयतः महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः। हम माता लक्ष्मी के चरणों में शीश झुकाते हैं, चरणों शीश झुकाते हैं। हम वैभव लक्ष्मी व्रत विधि और कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। करके व्रत जो महालक्ष्मी से वर पा जाते हैं, भक्तों वर पा जाते हैं। हम वैभव लक्ष्मी व्रत विधि और कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हे वैभव लक्ष्मी माँ कृपा सब पर करना, हे वैभव लक्ष्मी माँ कृपा सब पर करना। सबसे पहले व्रत की महिमा भक्तों तुम्हें सुनाए, जो भी भक्त माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहे। शुक्रवार के दिन माता का व्रत किया जाता है, अपने मन की सभी मुरादें भक्त वो पा जाता है। कर सकते हैं व्रत ये दोनों पुरुष और महिलाएं, चाहे महिला शादीशुदा हो या फिर हो कन्याएं। 21 या फिर 11 व्रतों का संकल्प लेना चाहिए, विधि विधान से फिर व्रतों का उद्यापन करवाइए। धन वैभव फिर उन भक्तों के घर में आते हैं, भक्तों के घर में आते हैं। हम वैभव लक्ष्मी व्रत विधि और कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हे वैभव लक्ष्मी माँ कृपा सब पर करना, हे वैभव लक्ष्मी माँ कृपा सब पर करना। अब हम भक्तों को इस व्रत की पावन विधि बताएं। महालक्ष्मी व्रत करने वाले सुबह सुबह उठ जाएं, स्नान आदि करके फिर करना चाहिए व्रत का पालन। गाय के गोबर से लीपे वो अपना घर और आंगन। शाम को करके स्नान माता की चौकी सजाना है, उस चौकी पर भक्तों कपड़ा लाल बिछाना है। प्रतिमा माता लक्ष्मी की चौकी पर करें स्थापित, 11 या 21 व्रत का तो लेना चाहिए संकल्प। व्रत पूरे होने पर उद्यापन करवाते हैं, हम वैभव लक्ष्मी व्रत विधि और कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हे वैभव लक्ष्मी माँ कृपा
वस्त्र माता लक्ष्मी को बड़े ही भाते हैं। पूजा के समय श्वेत ही वस्त्र पहने जाते हैं। श्वेत फूलों की माला ही महालक्ष्मी को पहनाइए। श्वेत रंग के ही मिष्ठान कमा को भोग लगाइए। कई भक्त इनके प्रसाद में खीर बनाते हैं। माँ लक्ष्मी को उसी खीर का भोग लगाते हैं। बाट के वो प्रसाद व्रती को ग्रहण करना चाहिए। विनती करना माँ लक्ष्मी को मेरे घर में आइए। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा अब तुमको सुनाते हैं हम। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा और विधि बताते हैं हम। गाथा गाते हैं समय पर एक शहर में लाखों लोग रहते थे। किंतु परवाह एक दूजे की ना तो वो करते थे। अपने अपने काम में रहते व्यस्त बसारे हैं। व्याभिचार नशे की लत में डूबे सारे हैं। भजन कीर्तन और धर्म का नहीं है नाम निशान। किसी को परवाह नहीं किसी की कोई हो परेशान। किंतु उस शहर में अच्छे लोग भी पाए जाते। एक शीला और उसका पति भी इस गिनती में आते। ईश्वर की भक्ति में सदा वो ध्यान लगाते हैं। सदा वो ध्यान लगाते हैं हम। वैभव लक्ष्मी व्रत विधि और कथा सुनाते हैं हम। गाथा गाते हैं पति है दोनों के नेक विचार। लगा हुआ था उनके घर में खुशियों का अंबार। पत्नी का धर्म शीला अपना खूब निभाती है। सुबह शाम माता लक्ष्मी के मंदिर जाती है। किंतु समय बदलते भक्तों ना लगती है देर। शीला के ऊपर भी हो गया यही समय का फेर। बुरे लोगों की संगत में उसका पति आता है। पीने लगा शराब जुआ भी खेलने लग जाता है। बुरे लोग तो अच्छे को भी बुरा बनाते हैं हम। वैभव लक्ष्मी व्रत विधि और कथा सुनाते हैं हम। गाथा गाते हैं पति शीघ्र ही धनवान होना चाहता। इसीलिए तो जुए की लत में वो तो है पड़ जाता। जितना भी पैसा उसने मेहनत से कमाया था
अपने जुए की लत में वो सारा ही गवाया था। आकर अपनी पत्नी से जो पैसे मांगता था, करती मना जो डंडे से उसे खूब मारता था। छोड़ दो अपनी बुरी लतों को शीला ने समझाया, किंतु असर ना उसके पति पे कोई भी होने पाया। सुख से गुजर रहे थे दिन दुख के आ जाते हैं, हम वैभव लक्ष्मी व्रत विधि और कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। बसा बसाया उजड़ गया घर अच्छा खासा है, शीला को किंतु भगवान पे पूरा भरोसा है। शीला तो बचपन से ही थी बड़ी ही संस्कारी, सहने लगी है दुख वो पति के करती क्या बेचारी। जानती है जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, जैसे धूप और छाया ये भी आते जाते हैं। माँ का ध्यान लगाना पर न शीला ने था छोड़ा, बीत जाएगा दुख का समय भी होता है ये थोड़ा। दुख यारी शीला के दिन भी बीतते जाते हैं, दिन भी बीतते जाते हैं, हम वैभव लक्ष्मी व्रत कथा और विधि बताते हैं, हम गाथा गाते हैं। शीला के घर में होने लग गया है, मंदिर जाना भी शीला का अब तो छूट गया है। किंतु धीरज शीला ने न अपना गवाया है, बैठे बैठे घर में माँ का ध्यान लगाया है। एक दिन दरवाजे पर दस्तक किसी ने आ कर दी, सोच रही है शीला घर में आया कौन अभी। जैसे ही शीला ने खोला अपने घर का द्वार, एक वृद्ध सी महिला खड़ी है उसके घर के बाहर। देख के शीला की आंखों में आंसू आते हैं, हम वैभव लक्ष्मी व्रत विधि और कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। शीला घर के भीतर उनको ले आई, उस महिला ने बड़े प्यार से शीला सहलाई। बोली शीला माता आपको मैंने ना पहचाना, क्या खाने को दूं मैं घर में नहीं अन्न का दाना। वृद्ध महिला बोली मैं तो इधर से गुजर रही, बहुत दिनों से तुम शीला मंदिर भी आई नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें देखने
यहाँ चली आई। तिरशीला ने वृद्ध महिला को सारी बात बताई। पति हुए दुराचारी मुझे ये बड़ा सताते हैं, हम वैभव लक्ष्मी व्रत विधि और कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। उस महिला ने धीरज है फिर शीला को बंधवाया, वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगो ये भी था बतलाया। लेके इजाजत शीला से फिर वो चल जाती है, शीला के चेहरे पे रौनक लौट के आती है। देख के उस महिला को खुशी मन में थी उसके छाई, एक किरण उम्मीद किले कर शायद थी वो आई। वैभव लक्ष्मी व्रत करने का मन में किया विचार, जैसे ही आया है भक्तों अगला शुक्रवार। वचन वृद्ध महिला के उसको याद में आते हैं, उसको याद में आते हैं, हम वैभव लक्ष्मी व्रत विधि और कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। कर सुबह सवेरे शीला स्नानादि किया है, 21 करने का संकल्प तो मन में ठान लिया है। करने लगी है अपने घर की शीला साफ सफाई, व्रत विधि वो पूरी की ज्योति माता ने बतलाई। सोच रही मेरे टुकड़ों का जाने के कारण, विनती की माता लक्ष्मी से आप ही करें निवारण। पूरे दिन किया व्रत शाम को है प्रसाद बनाया, श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी को उसने भोग लगाया। शाम को उसके पति लौट के घर में आते हैं, हम वैभव लक्ष्मी व्रत विधि और कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। अपने पति को शीला ने वो प्रसाद दिया, लगा पूछने शीला का पति बोलो ये है क्या। शीला ने है अपने पति को सारी बात बताई, बोली एक महिला दिन में थी अपने घर पे आई, वैभव लक्ष्मी व्रत करने का उसने ही कहा है, है प्रसाद ये माँ लक्ष्मी का आपको जो ये दिया है। माँ लक्ष्मी का वो प्रसाद जो उसके पति ने खाया, मारन को फिर आज शीला को डंडा नहीं उठाया। मिलकर दोनों माँ लक्ष्मी का ध्यान लगाते हैं, हम वैभव लक्ष्मी व्रत विधि और गाथा गाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। हे वैभव लक्ष्मी माँ कृपा सब पर करना, हे वैभव लक्ष्मी माँ कृपा सब पर करना। जब अगला शुक्रवार तो भक्तों आया है, व्रत विधि को शीला ने फिर से दोहराया है। शीला का पति उस दिन तो है बाहर नहीं गया, ना ही उसने पी थी शराब, खेला नहीं जुआ। वैभव लक्ष्मी व्रत जो शीला करने लग गई है, उसके पति की बुरी आदतें सारी छूट गई हैं। धीरे धीरे मुश्किल सारी होने लगी आसान, उसका पति भी माँ लक्ष्मी का करने लगा था ध्यान। खुशी के दिन शीला के वापस लौट के आते हैं, वापस लौट के आते हैं हम। वैभव लक्ष्मी व्रत विधि और कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हे वैभव लक्ष्मी माँ कृपा सब पर करना, हे वैभव लक्ष्मी माँ कृपा सब पर करना। इस व्रत शीला के भक्तों जैसे पूरे हुए, धूम धाम से व्रत उद्यापन मिलके दोनों किए। अपने घर में कन्या सात भोजन पे बुलाई है, सबको वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई है। भोजन करवाया है सबको दान दक्षिणा दी, वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पाठ्य किताबें थी। शीला का पति हर काम में बटा रहा था हाथ, दुख के दिन भी कट जाते जो पति पत्नी का साथ। शीला की दुख वाले सब दिन अब टल जाते हैं, हम वैभव लक्ष्मी व्रत विधि और कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हे वैभव लक्ष्मी माँ कृपा सब पर करना, हे वैभव लक्ष्मी माँ कृपा सब पर करना। शीला के घर में खुशियां सब लौट के आई, हुआ उजाला खुशियों का ना दुख की परछाई। माता लक्ष्मी का ही भक्त ये तो है चमत्कार, शीला के भी सारे सपने हो गए थे साकार। सुन के और महिलाएं भी है व्रत लग करने, सबके घर में खुशियों के भंडार लगे भरने। माता की कृपा से महका सबका ही घर आंगन, वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का भक्त हुआ समापन। सुनने वाले माँ लक्ष्मी की कृपा पाते हैं, हम वैभव लक्ष्मी व्रत विधि और कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हे वैभव लक्ष्मी माँ कृपा सब पर करना, हे वैभव लक्ष्मी माँ कृपा सब पर करना।